सो अभी मैंने 5 मिनट का रेस्ट कर लिया है। मेरे अभी जो मेरे साथ थे वो आगे निकल गए हैं, बहुत दूर पहुंच गए होंगे, कम से कम तो कोई 400-500 मीटर का गैप तो पड़ ही गया होगा। लेकिन चलो यही मज़ा है अपने ट्रैक का कि आराम से जाएंगे। और पीछे मेरे कुछ इस तरह का व्यू था, अभी कोई 1 किलोमीटर से हम इस खड्ड को फॉलो कर रहे हैं। पहले एक और खड्ड थी जिसको कि हम फॉलो करते हैं कर रहे थे। सो चलो चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मुझे तो लगता है कि 4 घंटे और मान के चलते हैं, क्योंकि कम से कम भी जो लोकल्स हैं यहाँ पे, लोकल गाइड थे लोगों के साथ, उन्होंने कहा कि यही कोई 6-7 किलोमीटर ही बचा है, तो 6-7 किलोमीटर करने के लिए 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अब जो ट्रैक है वो थोड़ा इजी है, जो डिफ़िकल्ट पैच था वो एक नीचे ही था जिसने कि हम सबको थका दिया। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और तब तक आप इन ब्यूटीफुल से सीन्स का मज़ा उठाएं। ये कुछ इस तरह का रास्ता है, यही कुछ बहुत ही डेंजरस पॉइंट होते हैं जो कि बारिश में बिल्कुल ही भर जाते हैं और इनको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो फार नॉट सो गुड। सो वी फाइनली मेड इट टू द हाफ वे, और ये जो है ये ट्रैक का मिड पॉइंट है, और अपने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं ट्रैक को। तो अभी ये हमें खड़ी चढ़ाई जो है ये क्रॉस करनी है, और सभी की बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है, लेकिन क्या करें, अगर पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ही। तभी आप सामने का सीन देखो कुछ किस तरह से क्रॉस करना है। ये बिल्कुल 75 डिग्री का इंक्लाइन है, अभी वीडियो में तो इतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा है। और अभी मेरी हालत कुछ ऐसी है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, शायद ही आपको सुनाई दे रहा हो जो भी मैं बोल रहा हूँ। जस्ट चेक आउट द वैली, यहाँ से पूरे सीन्स ही चेंज हो चुके हैं और नज़ारे और भी ब्यूटीफुल होने लग पड़े हैं यहाँ से आगे। चुके हैं कि बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, अब ट्रैक तो बहुत ही कम रहा है, लेकिन फिर भी है अभी 2-3 किलोमीटर का ट्रैक। और ये देखो इसी खड्ड के साथ चले हुए हैं हम पिछले करीब 4-5 किलोमीटर से, तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं और सीन्स आपको। दो बार वो मीटिंग करने के बाद ट्रैकर की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है, पूरा चेहरा उतर चुका है मेरा भी, लेकिन जो मेरे पीछे व्यू है यहाँ से लोग अभी जा रहे हैं ऊपर ट्रैक को। चलो सो फार सो गुड, अब मुझे लगता है थोड़ा ही होगा, 2 किलोमीटर होगा, चलो करते हैं इसको
कंप्लीट बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है। कोई ये सोच के आ रहे हैं ना कि मतलब इजी ट्रैक है, तो वो कृपया करके ना आए, अच्छा है, रास्ते की टेंशन नहीं है। लेकिन जो चढ़ाई है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। तो भी एक बार और वॉमिटिंग करने के बाद 100 मीटर चलने के बाद यहाँ पर अभी रुका हूँ। कुछ रूल्स होते हैं ट्रैकिंग करने के, जैसे कि आप एक कांस्टेंट स्पीड में चलना होता है, लेकिन वहाँ पर सभी जितने भी रूल होते हैं सारे फेल हो चुके हैं। अभी बैग का वेट कोई 100 kg तक पहुँच गया होगा, मतलब फील 100 kg तक हो रहा है, और अभी भी कोई 1.5 किलोमीटर का ट्रैक आगे है। चलो चलते हैं, व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे देख सकते हैं ये यहाँ से आए हैं हम अभी, और ये जो खड्डा है ये इसके साथ ही चल रहे हैं। चलो अब आपसे डायरेक्ट लेक पे ही मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। कैंपिंग वहाँ पर बंद कर दिया, तो अभी कैंपिंग जो भी होती है नीचे ही होती है।